आधार में लाइव चल चुके हैं। अरे बंदी ये मैं यहाँ से जो है आप चूड़धार बड़ी ऐसा भी जा सकते हैं दोस्तों। चूड़धार बाजार बहुत ही तरक्की कर चुका है। ये कॉलेज के स्टूडेंट बिगड़े हुए छात्र मनोज सिंघानिया जी नोहराधार में आज। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आज सुबह की शुरुआत में कर रहा हूँ अपने रोड से, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ नोहराधार मार्केट की ओर। जी हाँ दोस्तों, कुछ सामान जो है वो लाना है, क्योंकि आप सभी को पता है अभी दिवाली की जो है तैयारियाँ वो स्टार्ट हो गई है दोस्तों। 3 या 4 दिन मात्र बचे दिवाली के लिए, तो कुछ सामान जो है जिसकी मुझे नीड थी वो लेने में जा रहा हूँ आज नोहराधार मार्केट। तो दोस्तों मैं हूँ आज नोहराधार की मार्केट में, और आपने नोहराधार की मार्केट तो देखी होगी, पर आज फिर देख लीजिए। ये आप देख सकते हो नोहराधार की मार्केट कुछ इस तरह की है। ये नोहराधार कॉम्प्लेक्स, और ये मिठाई जो भी आपको देख रही है हुई है, ये परचून वाली शॉप, और ये गुरुजी जो कि आज तक नीचे लाए और नोहराधार में दे रहे हैं। यहाँ पर फास्ट फूड मिलता है। ये और ये राइडर्स, ये दोपहर का व्यू नोहराधार। बस भी आ चुकी है, जैसे कि आप ये हमारे घर की ओर रवाना होगी। कुछ बस ये हमारे घर की ओर रवाना होगी आधे घंटे बाद, जिसमें कि हम भी सफ़र करेंगे। ये देखिए नोहराधार का व्यू, नोहराधार बाजार बहुत ही तरक्की कर चुका है। ये बहुत लंबा बाजार है। ये लम्बा है। ये कॉलेज के स्टूडेंट बिगड़े हुए छात्र। तो दोस्तों फिलहाल मैंने जो है अपना सामान पूरा कर लिया है, और जितनी आइटमें थी वो इकट्ठी करके रख दी है। देखिए चलते हैं घर की ओर, थोड़ी देर में हम निकलेंगे यहाँ से घर की ओर। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं नोहराधार मार्केट। अभी यहाँ पूरी तरह से जो है धूप लग चुकी है, ये आप देख सकते हैं खुद ही। और आज वेदर भी जो है दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, ये आप मेरे सामने। और दोस्तों ये देख रहे हैं आप चूड़धार जो ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है वहाँ का दरवाज़ा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से जो है आप चूड़धार बड़ी ऐसा भी जा सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से चूड़धार तक जाने में आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ चूड़धार तक जाने में दोस्तों लगते हैं 6 या 7 घंटे। और यहाँ से ही ऊपर का आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। दोस्तों मैं अभी पहुँच चुका अपने घर, और मैंने खाना खुना भी खा लिया है, क्योंकि मेरे को जो है बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। तो खाना खा के अभी फारिग हुआ हूँ, और मेरे हाथ में ये कुछ चीज़ें, ये आपको समझ नहीं आ रही होगी, जिनको ये पता है वो कमेंट कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, अभी इसके बाद जो है मैं इस चीज़ का यूज करने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं। और आप लोगों में से जिसको ये समझ आ रहा है वो बता सकते हैं कमेंट करके,